उत्तराखंड में भर्तियों को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक लेटर बम से राजनीति में भी भूचाल आ गया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लेटर बम अपने विभाग को लिखा है, जिसमें चार लोगों की नियुक्ति करने की बात कही गई है, जिस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। साथ ही बीजेपी नेता रेखा आर्य का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि यदि रेखा आर्य की ओर से कोई पत्र नियुक्ति को लेकर जारी किया गया है तो यह गलत है। देहरादून से संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, जिसका परिणाम आज आपके सबके सामने एसटीएफ की जो भर्ती घपले में जो जहाँ चल रही है वो आपके सामने है। और रेखा रे जी ने जो पत्र की जो वायरल की बात कर रहे हैं, उस पत्र में एक सार्वजनिक जीवन या राजनीतिक जीवन जो जो भी व्यक्ति होता है उसके सामने कोई अगर कोई समस्या को लेकर के आते हैं उसको लेकर उस संदर्भ में वो पत्र गया होगा। उत्तराखंड में भाजपा राज के दौरान हुई तमाम भर्तियों और नियुक्तियों का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, पिटारा खुलते चला जा रहा है, परत दर परत उधड़ती चली जा रही है। और इसी क्रम में रेखा आर्या जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और तमाम दूसरे विभाग उनके पास हैं, उनका एक सिफारिशी पत्र भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो सचिव को पत्र लिख रही है।